हिसाब से मैंने फर्स्ट टाइम पनीर वाला पोहा खाने वाला हूँ और फर्स्ट टाइम सुना है मैंने कि पनीर वाला भी पोहा मिलता है। तो फाइनली आज के दिन की शुरुआत मॉर्निंग 6:30 बजे से हो चुकी थी और जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं मैं नहा धो करके तैयार हो चुका हूं और अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से काम के लिए जो कि है मेरी जॉब से रिलेटेड कुछ काम है मुझे एंड उसके साथ साथ ही मुझे एक और छोटा सा काम है जो कि है मेरे को एक साफा बनवाना है। आज बारात में जाने वाले हैं क्योंकि आज दीदी मैम के भाई की शादी है तो उसके लिए हमें प्रॉपर तैयार होना है तो आज साफा बनवाएंगे। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले पहले जॉब से रिलेटेड जो काम है वो करेंगे एंड देन उसके बाद में साफा बनवाने चलेंगे। और साथ ही साथ कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नितिन के आदर्श व्लॉग्स में। और आज ही हमने एक सुबह एक व्लॉग एडिट किया है, बहुत ही जबरदस्त है, जाकर के जरूर देखना। और आज भी चुका है और फिर चलते हैं सबसे पहले। और हमारी डीजी के प्यार के बीच में एक दीवार आ रही है जो वो परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा कि ये दीवार हटा दो, तो इससे पहले चलते हैं वो दीवार हटे, इससे पहले हम निकलते हैं यहाँ से एंड पहुँचते पहले वैशाली नगर। तो अभी हमारी जो जॉब से रिलेटेड काम था वो मोस्टली हो गया है बट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका कॉल शाम तक आएगा हमारे पास में। और आज हमारे साथ में कौन है? जय माता, सारे बोलो जय माता दी। पंकज सर भी ज्वाइन कर रहे हैं और अभी हम खाने आए क्योंकि घर से खा के कुछ नहीं निकला था और मुझे दवाई लग नहीं। एक्चुअली मेरे साथ में क्या था, एडवेंचर करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा मैंने बताया नहीं आपको, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे मेरी कमर के साथ में। तो अभी मुझे दवाई लेनी है इसलिए घर से कुछ खा के नहीं निकला था। सबसे पहले हम भैया के से खा रहे हैं पोहे खाने के बाद में हम देखते हैं कुछ और ट्राई करेंगे, फिर चलेंगे साफा बनवाने। और आज मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं कर रहा क्योंकि मैं बाइक भी नहीं लेके आया हूँ और मैं गोप्रो भी घर छूट गया मेरा, तो आज मोटो व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, मैं फ़ोन से शूट करूँगा जहाँ पे भी जाऊँगा। तो पहले पोहे खा लेते हैं, देन उसके बाद दवाई लेके साफा बनवाने चलेंगे अपन। फाइनली किसी ने हमें कहा था कि फूड ब्लॉगिंग भी करना स्टार्ट कर दे, लेकिन एक्चुअली फूड ब्लॉगिंग नहीं कर रहे। अभी भैया ने अभी हमें बताया कि इनके पास एक स्पेशल पोहा है, वो स्पेशल पोहा क्या है आप गैस भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, उसमें पनीर ऐड कर रहे हैं स्पेशल पोहा में और मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है खास करके। तो इस पोहा में पनीर मिलने वाला है और मेरे हिसाब से मैंने फर्स्ट टाइम पनीर वाला पोहा खाने वाला हूँ और फर्स्ट टाइम सुना है मैंने कि पनीर वाला भी पोहा मिलता है। तो आज देखते हैं भैया का पनीर वाला पोहा कुछ स्पेशल। माय गॉड बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये तो दिखने में भी, उमदा टेस्टी। और खाने के बाद में हम टेस्ट करके ज़रूर बताएँगे आपको कि ज़रूर बताना। तो ये यम्मी दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है ना, खाने में कितना होगा यार। और मैं अच्छा हुआ मैंने बड़ी नहीं बनवाई, ये भी मेरे से खाई जाएगी नहीं खाई जाएगी पता नहीं, लेकिन दिख बहुत टेस्टी रहा है। तो फाइनली हमारा पोहा रेड बन के रेडी हो चुका है, तो टेस्ट करते हैं। लिटरली में बहुत ही अच्छा है और ये पोहा जिम गाइस के लिए ज़्यादा अच्छा है और जो सुबह सुबह रनिंग करते हैं एंड ऑल, क्योंकि पनीर में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छा है। और मैं फिटनेस फ्रीक तो हूँ, साथ ही साथ फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ मैं अपनी, तभी मैं बिल्कुल स्लिम हूँ। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। पोहे को पहले पूरा ख़त्म करते हैं देन उसके बाद में मिलते हैं हम आपसे। तो गाइस फाइनली मैंने पोहे खा लिए, मेरे को काफ़ी टेस्टी लगे, लेकिन अगर कभी भी आपका वैशाली नगर आना होता है मॉर्निंग के टाइम पे तो ज़रूर यहाँ पे आकर के आप एक बार ज़रूर भैया से पनीर पोहा ट्राई करें, जो कि एक 35 रुपये की प्लेट आती है, एक 50 रुपये की देते हैं, 50 रुपये की बड़ी होती है। तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, इनकी पनीर की पोहे की प्लेट। और अगर मेरा कभी भी वैशाली आना होगा तो मैं इस जगह ज़रूर विज़िट करने वाला हूँ अब भैया के आपके पोहे खाने के लिए। तो इसी के साथ मैं भैया को बाय कहते हैं और चलते हैं साफा बनवाने एंड देन मिलते हैं आपसे दोबारा। हाँ तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं साफा बनवाने के लिए और जैसा कि हमारा साफा बांधने वाले हैं कौन भैया, तो भैया का नाम क्या है? अजय सिंह। और ये भी जोधपुर के ही हैं, बोली से तो मेरे को जोधपुर के लग रहे हैं, बीकानेर के, सॉरी कोई बात नहीं, मैं नागौर का हूँ तो ये बीकानेर के। तो अभी बनवाने जा रहे हैं हम साफा, मेरे को ही पहनना है ना तो इसलिए। एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे को इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन पहनने के बाद में और अभी इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे कि अभी से मेरे को बारात वाली फीलिंग आ रही है कि अभी जाना है मुझे। और लोग बाग अधिकतर राजपूती ड्रेसेस और साफे के बहुत शौकीन होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी की बारात में जाना तो एक जरूर साफा बनवा के जाएं, क्योंकि क्या होता है उससे एक रुतबा आता है इंसान के अंदर जो कि बहुत उसको अलग बनाता भीड़ से। बारात में 100 लोग जाते हैं, 100 में से 10 साफे लगाते हैं, लेकिन उनका 10 का रुतबा अलग होता है। तो राजपूती फैशन के जैसे सभी दीवाने होते हैं, साफों के भी होते हैं, तो आज मैं साफा बनवाने, मैंने बहुत कम साफे पहने हैं लेकिन आज मैं खुद पर्सनली बनवाने आया था और खातीपुरा में सर से मिला। सर ने मुझे बताया कि आप साफा बनवाओ, मेरे को सजेस्ट किया इन्होंने जोधपुरी साफा आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैंने जोधपुरी बनवाया और जो मैंने अभी पहन रखा है ये जोधपुरी है, बहुत ही लुक ऑसम आ रहा है इसका। और हम इस शॉप के बारे में सर से पता करते हैं कि इस शॉप का नाम का क्या है, ये कहाँ पे है, ताकि आप भी विजिट कर सकें। सर हमारी दुकान खातीपुरा रोड पे है, द महाराजा डिजाइनर्स नाम से शॉप है, शॉप नंबर 5253 है और हमारा 10-15 साल से यही काम है शॉपों का। और मेरे पास में खातीपुरा रोड पे 3 दुकानें हैं, एक महाराजा डिजाइनर है, एक महाराजा शोरूम है और एक सूर्य नगरी करके। सर हम पूरा परिवार का यही काम है शॉपों का। तो फाइनली आप लोगों को, सभी को जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको सबको शॉप की लोकेशन पता चल गई है। अगर आपको भी ऐसा जोधपुरी साफा बनवाना है तो आप यहाँ जरूर आइए। और साथ ही साथ अब हम साफों की वैरायटी के बारे में जानेंगे, दूसरा और सर की कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से गांव हैं, कौन सी है, इनसे सब बातें करेंगे। 2 मिनट का एक डिस्कशन करेंगे सर के साथ में छोटा सा। सबसे पहले चलते हैं अपन साफों के बारे में पूछते हैं कि साफे कितने प्रकार के यहाँ पे बांधे जाते हैं। तो चलते हैं एक बार सर के पास। सर साफे 3-4 तरह के माने जाते हैं सर, मेन जोधपुरी साफा ही सबसे ज्यादा चलता है और एक गोल साफा आता है नागौरी, वो भी चलता है, लेकिन मेन जोधपुरी साफा दुल्हे के काम आता है और सभी बारातियों के लिए यही साफा चलता है। इसमें लेरिया का सबसे ज्यादा चलन है, लेरिया और पचरंगा साफा। जो लेरिया पचरंगा होता है ना, उसका चलन ज्यादा रहता है साफा। और सर हम रहने वाले रणशी गाँव के, जोधपुर जिले के रणशी गाँव पड़ता है हमारा। हम ढाणियों में रहते हैं, हमारा 50-60 घर है, ठीक है ना। गाजनगढ़ नाम करके हमारा गाँव है, ठीक है। और हम 15-20 साल से यही काम करते हैं। जैसा कि आपने सभी ने सुना, अंकल 15-20 साल से काम कर रहे हैं इस शॉप को लेकर के, और ये इनका खानदानी बिजनेस है, कह सकते हैं कि खानदानी काम है, जो कि बहुत कम लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि फ्रेशर लेके दुकान को लेके खोल के बैठ जाते हैं और उनको बांधने के तरीके नहीं होते साफों को। जैसा कि आपने मेरा साफा देख लिया होगा, इतना प्रॉपर ढंग से बांधा है ना कि मुझे शायद 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगा होगा मेरे साफे को बनने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ आए, कभी भी आपको राजपूती कोई भी सामान चाहिए हो राजपूत से रिलेटेड, आप वो यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे और साथ साथ यहाँ पे शॉपर के साथ साथ ड्रेसेस भी मिलती हैं, आपको जूतियाँ भी मिलती है। सबसे ज़्यादा फेमस जो है, हर कोई पहनना चाहता है मोचड़ी, और यहाँ पे प्योर लेदर में आपको मोचड़ी मिलेगी जो कि इधर है। देख लिया होगा बीनमाल की प्रसिद्ध जो जूतियां हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, और आप आओ, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको इजीली टैकल किया जाएगा। जैसा कि सर ने बताया अभी यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी, और आपको नहीं भी मिलती है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ में यहाँ से सर से विदा लेने का टाइम आ चुका है हमारा, क्योंकि हमारा साफा भी बन चुका है और हमारा काम भी हो चुका है। और जैसा कि अब आपको मिलेंगे हम घर पे या फिर बारात के अंदर डायरेक्ट, क्योंकि बारात वाली फीलिंग अभी आने लग गई है मुझे। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी चला जाऊँ, लेकिन घर जाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले चलते हैं घर, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। जैसा कि आपने देखा, तो रेडी होने के बाद में मैं एक वीडियो नहीं बना पाया जिसमें मैं आपको मेरा पूरा लुक दिखा सकूँ, लेकिन अभी मैं शादी में जाके आ चुका हूँ। और जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, जोधपुरी साफे का जो लुक आ रहा है बहुत ही अमेजिंग आ रहा है, और शादी में सभी ने तारीफ करी है कि कुछ डिफरेंट रहा ये वाला लुक, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहना मैंने। लेकिन मेरे को मैंने फर्स्ट टाइम पहना ना, तो मुझे क्या हेडेक होने लग गया एक्चुअली, पता नहीं मेरे को क्या है। मेरे को एक बार कैप लगा ली थी मैंने टाइट, तो उससे भी हेडेक होने लग गया था, इससे भी हो रहा था। पूरा वीडियो यानी पूरी जो लुक है वो मैं बता देता हूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। एंड उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जाने से पहले बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय बाय।